अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो खातून हैं, इनका नाम है समीना बीबी। तो समीना बीबी जो हैं हमारी बहन, इनकी उम्र जो है इस वक्त वो 49 ईयर्स है, यानी कि 49 बरस है। तो दोस्तों, ये जो समीना बीबी हैं, ये एक जो है बेवा खातून हैं। शोहर का इंतकाल हो गया है, तो अभी जो है तकरीबन 6 साल हो गए हैं इनके शोहर को इंतकाल हुए। तो 3 बेटियां हैं इनकी, और तीनों जो है इन्होंने शादी उनकी कर दी है। 2 बेटियों की शादी कुछ अर्सा पहले की थी, एक बेटी की शादी जो है अभी इन्होंने तकरीबन 7 या 8 माह हो चुके हैं उसकी शादी किए हुए। तो समीना बीबी जो है अब जो है घर में अकेली रहती हैं जो है। इसके अलावा जो है इसीलिए जो है ये चाहती हैं कि वो जो है शादी कर लें। तो इसके अलावा मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है, इनकी तालीम जो है मैट्रिक है, यानी कि 10 जमात पास हैं। तो इसके अलावा जो है इनके जो शोहर जो कि फौत हो गए थे, उनकी जो है पेंशन जो है आती है, जिससे जो है इनका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तो अब जो है ये चाहती हैं दोबारा से शादी कर लें, ताकि अपना जो है घर बसा लें और अपना जो अकेलापन ये दूर कर सकें। तो इसी सिलसिले में इनको किसी ऐसे जीवन साथी की तलाश है कि लड़का जो हो उसकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो, यानी कि 50 साल से ज़्यादा ना हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, और जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, मुसलमान हो, ज़ात बरादरी कोई भी हो, तो वो जो है इनसे रابطہ कर सकते हैं। समीना बीबी जो है इस वक्त सुबह पंजाब के जो सिटी है कसूर, वहाँ पर रहती हैं, अपना जाती घर है। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे रابطہ करना, शादी के अबाउट मिलना, बात करना, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रابطہ कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।